हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम एमएस वर्ड की ऑल ओवर शॉर्टकट कीज़ कैसे यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं और उनको कैसे एमएस वर्ड का जो पर्टिकुलर यहाँ पर एडिटर अवेलेबल है वो सारी कीज़ यहाँ पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर, अगर मैंने इसको कैपिटल करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट कैपिटल मीन टू से लार्ज साइज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करूँगा, लेस देन से इसका साइज़ स्मॉल हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल बी करूं तो इससे देखिए बोल्ड हमारा यहाँ पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रहा है। अगर मुझे इटैलिक करना है कंट्रोल आई करूंगा, यहाँ से देखिए ऊपर भी यहाँ पर देखिए ये जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है यहाँ से ये एक्टिवेट हो रही है। देन कंट्रोल यू से मेरा अंडरलाइन होगा। अब देखिए ये तो बेसिक सी कमांड्स हैं जो काफ़ी यूजर्स जानते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड से अंडू होगा, कंट्रोल वाई से रीडू अंडू होगा, देन कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल एफ से फाइंड और कंट्रोल एस से रिप्लेस। ये तो कॉमन सी कमांड्स हैं जो काफ़ी यूजर्स जानते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं लेकिन आपको उनके शॉर्टकट्स नहीं पता। जैसे हम टेबल की ही बात कर लें, टेबल में अगर आपने किसी टेबल को स्प्लिट करना है, उसमें नहीं रो लेकर आनी है, पर्टिकुलर सेल्स को आपने मर्ज करना है या उनको स्प्लिट करना है, वो सारी शॉर्टकट्स की जो अवेलेबल है एम एस वर्ड में वो कहाँ से हम डिस्प्ले करेंगे। बिकॉज जैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल में देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है जिसकी हेल्प से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिलहाल आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन को क्लिक करना होगा, यहीं से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल सारी एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट कीज़ है आप कैसे देख सकते हैं और उसको एक पर्टिकुलर पेज पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पूरी वीडियो को शुरू से देखिए। सो चलिए देखते हैं कि हम पूरी जो एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ हैं उनको कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, आप जाएंगे व्यू टैब पे। व्यू टैब में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन मैक्रोस पे। मैक्रोस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है व्यू मैक्रोस, वहाँ पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप ऑल्ट F8 का भी यूज़ कर सकते हैं मैक्रोस को देखने के लिए। देन यहाँ से आप चूज़ करेंगे वर्ड कमांड्स। जब मैंने वर्ड कमांड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वर्ड कमांड्स यहाँ एक्टिवेट हो गया और आप यहाँ पर जो मैक्रो नेम है यहाँ पर फिल करेंगे लिस्ट कमांड्स। जब मैंने लिस्ट कमांड्स पर क्लिक किया ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिस्ट कमांड्स डिस्प्ले हो गया। देन आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे रन के ऊपर। जब मैंने रन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। इसमें क्या था कि आपने करंट कीबोर्ड की सेटिंग के अकॉर्डिंग वर्ड्स की कमांड देखनी है या ऑल ओवर देखनी है। तो फिलहाल मुझे करंट कीबोर्ड सेटिंग की जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो देखनी है। तो उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बाई डिफॉल्ट चेकबॉक्स सेलेक्टेड है, उसको ओके कर दीजिए। जब आप ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एम एस वर्ड की डिफरेंट जिसको हम विनवर्ड भी बोलते हैं कीज़ है वो यहाँ ये देखिए यहाँ पर सारी डिस्प्ले हो गई हैं। टोटल यहाँ पर देखिए 10 पेजेस में ये डिस्प्ले हुई हैं। तो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए कट कॉपी तो आपने किया ही है, अदरवाइज़ आप कट के लिए शिफ्ट और डेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डेट फील्ड के लिए ऑल्ट शिफ्ट डी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए वर्ड बैक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कीज़ अवेलेबल हैं। जैसे देखिए डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर कह रहा है कंट्रोल डब्ल्यू करके देखें एक बार, एक कीज़ हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि जब मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया ये देखिए मेरी कीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। सो देखिए नियर अबाउट यहाँ पर 10 पेजेस पे ये शॉर्टकट कीज़ जो एम एस वर्ड की हैं डिस्प्ले हो गई हैं। तो आप इसका प्रिंट आउट करके इसको वन बाई वन अप्लाई करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप इसको नोट डाउन करके या यहीं से आप इसको देख के अप्लाई करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स बाय दिस वीडियो आपने देखा कि हम जो एम एस वर्ड की ऑल ओवर शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम कैसे पर्टिकुलर एक पूरी एम एस वर्ड की फाइल में लेकर आ सकते हैं और उन सारी जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं उसकी हेल्प से अपना वर्क कैसे ईजी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस अप्लाई करके देखिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है टेक्सुअल वर्क। तो इफ़ आई यूज़ शॉर्टकट कीज़ तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए सो डैट वो भी इन मेथड्स का यूज़ करके अपने काम को ईजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।